तो दोस्तों कई बार हमें अलग अलग यूजर अकाउंट और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम में एप्लीकेशन करने के टाइम, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हम कई दिनों के बाद उस पोर्टल में बैक करते हैं अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए या फिर नए एप्लीकेशन करने के टाइम, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे परेशानियों का शामिल करना पड़ता है। हमें पासवर्ड फिर से रिसेट करना होता है और एक इंडिविजुअल के लिए हर एक जो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उस पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना काइंड ऑफ हार्ड टास्क हो जाता है। इसी बात को देखते हुए गवर्नमेंट के ओर से एक नया पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया है जो है मेरी पहचान। तो आपको मिल जाएगा NSSO ID। तो अगर आप मेरी पहचान पोर्टल में एक बार साइन इन कर लेते हो और अपने लिए एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, आप उसी यूजर अकाउंट और पासवर्ड को देके गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीमें जो है, अलग अलग जो पोर्टल है, उस पोर्टल में आप साइन इन कर सकते हो। मेरी पहचान के थ्रू आपको एक NSSO ID मिल जाएगा, यानी कि नेशनल साइन ऑन ID आपको मिल जाता है, जिस ID के थ्रू आप गवर्नमेंट के हर एक पोर्टल में साइन इन कर सकते हो और आपको अलग कोई भी अकाउंट क्रिएट करना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का कैसा लगा जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे आप अपने लिए मेरी पहचान की आईडी कैसे क्रिएट करना है और क्या क्या फीचर्स और बेनिफिट्स है इस पोर्टल में, आपको पूरा इन डिटेल दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो हमारे इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस वेबसाइट में कैसे आपको अपने लिए यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। तो दोस्तों जैसे कि हर एक वीडियो की तरह आप अपने मोबाइल से भी ये सारा स्टेप कर सकते हो। तो आपको मेरी पहचान में अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली गूगल में मेरी पहचान लिख के आपको सर्च करना होगा। सर्च रिजल्ट में आपको पहले ही आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट का लिंक, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और आप रिडायरेक्ट हो जाओगे मेरी पहचान की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या फीचर आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप 3 स्टेप में आप यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपने डिजी लॉकर का अकाउंट कभी भी बनाया है तो उस डिजी लॉकर अकाउंट के साथ भी आप यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर कर सकते हो, या फिर जन परिचय की लॉगिन कर सकते हो, या फिर ई प्रमाण पत्र अगर आपने लॉगिन किया है वहाँ से भी आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, या फिर आप इन तीनों ऑप्शन को ना करके आप रजिस्टर नाउ करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिजी लॉकर को यूज़ करूँगा, तो डिजी लॉकर में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड देना होता है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हो जिस नंबर के थ्रू आपने डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया है। सिंपली यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ और उसके बाद आपको डिजी लॉकर का जो पिन सेट किया है उस पिन को आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको कॉन्सेंट पे क्लिक करना है और सिंपली आपको साइन इन पे चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा 2 डिजी लॉकर अकाउंट है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा दे रहा है आप किस अकाउंट के साथ साइन इन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं पहला वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपका पिन देना है, उसके बाद कॉन्सेंट पे क्लिक करना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे आपको OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई करना है। तो डिजी लॉकर की ओर से आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, आपको उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है और साइन इन के बाद आप साइन इन के क्लिक करने के बाद ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो आपका जो डिजी लॉकर अकाउंट का जो मोबाइल नंबर है उसी मोबाइल नंबर को आपका यूज़र अकाउंट हो गया है और जो पिन आपने डिजी लॉकर में क्रिएट किया था वही पिन आपका मेरी पहचान में रजिस्टर्ड हो गया है। आप इसी पिन से आप हर एक पोर्टल में साइन इन कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का भी पोर्टल है
जिस पोर्टल में आप साइन इन कर सकते हो मेरी पहचान रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे पोर्टल है, और यहाँ पे सर्विसेज ग्रुप में आप देख सकते हो ऑल सर्विसेज क्या क्या है, बहुत सारा सर्विसेज यहाँ पे है, देख सकते हो वेस्ट बंगाल का, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम, सारे स्टेट का यहाँ पे सर्विसेज आपको अवेलेबल जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं वेस्ट बंगाल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो वेस्ट बंगाल का जो जो सर्विसेज है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप इन सारे पोर्टल में आप साइन इन जो है कर सकते हो मेरी पहचान के थ्रू, और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हो। यानी कि ये काइंड ऑफ एक सीएससी आईडी की तरह हो गया। जैसे कि एक सीएससी आईडी में होता क्या है, आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाता है, उस आईडी से आप मल्टीपल साइट्स में एक्सेस कर सकते हो और अपने कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हो। तो ये मेरी पहचान एक काइंड ऑफ एक इंडिविजुअल के लिए एक सीएससी आईडी की तरह हो गया है। तो आप अपने लिए सारा सर्विसेज को अवेल कर सकते हो सिंपली एक ही यूजर अकाउंट के साथ। आशा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि मेरी पहचान की वेबसाइट से क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Stay tuned with Really On.